हे गाइस, माँ बाप कितना प्यारा वर्ड है। मेरे दोस्त, ये दोनों हम लोगों को कितना प्यार से बड़ा करते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी संवारने में लगा देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि उनके जैसा निस्वार्थ प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमें जब हम छोटे थे तब संभाल के रखा, वैसे ही जब वो बूढ़े हो तो हम उनका हाथ पकड़े और उन्हें संभालें। क्या ये स्वार्थ भी गलत है? कभी क्या उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला? कभी नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि जब हम छोटे होते हैं तो उनके हाथ का मार बहुत पड़ता है। मेरी बात करो तो मैंने बहुत मार खाया है, लेकिन मैं भी था उतना शरारती। अगर वो मुझे मारते नहीं तो शायद मैं आज जिस जगह पे, जिस राह पे चल रहा हूँ, उस राह पे कभी नहीं होता। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, नहीं तो मैं औरों के जैसा कई नशों की आदतों में या गलत राह पे कब का चल गया होता। अगर उन्होंने मुझे मारकर सही गलत का फ़र्क नहीं समझाया होता। गाइस, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ माँ बाप हमारे लिए करते हैं, फिर भी लोग अपने माँ बाप के उन कर्ज को भूलकर उन्हें घर से क्यों निकाल देते हैं? पहले लोग कहते थे अच्छे संस्कार नहीं दिए माँ बाप ने, इसी वजह से बेटा ऐसा हो गया और उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन अब तो अच्छे संस्कार वाले बेटे भी अपने माँ बाप के खर्चे तो उठाते हैं, लेकिन उन्हें वृद्धाश्रम ओल्ड एज रूम में रखकर। क्या जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया? कभी नहीं। तो फिर तुम्हें उन्हें वृद्धाश्रम में रखने की नौबत क्यों आ पड़ी? गाइस, ऐसा कभी मत करो लाइफ में। मेरे दोस्त, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, ऐसा करने से माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। लास्ट में इतना ही कि अपने माँ बाप का हाथ कभी मत छोड़ो। मैं विवेक द यूट्यूबर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।